वेलकम बैक इन आवर चैनल. आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोरर विशाल और आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने एक खास जगह पे. इस जगह का नाम है यूटेंसिल्स शॉप, मीन्स बर्तन का दुकान. दोस्तों, बर्तन का दुकान तो आप लोगों ने बहुत देखा है. बेसिकली इंडिया में जो बर्तन यूज़ होता है, दिस ऑल आर मेड ऑफ मेटल. बट गाइस, क्या आपको पता है बांग्लादेश में, आप जो जिस जगह पे मैं हूँ, दैट इज़ द क्वींस आइलैंड, यहाँ पर जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, जो बर्तन यूज होते हैं, दीज आर मैक्सिमम मेड ऑफ यू नो जस्ट लाइक सॉयल, मिट्टी का बना होता है. मीन्स अभी भी इन 21st सेंचुरी 2019 साल में भी यहाँ का लोग, दे आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस. दे डू यूज ऑल द पॉटरी यूटेंसिल्स, मीन्स जो मिट्टियों से बनाया हुआ है बर्तन इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ देखने के लिए हाउ इज द ऑल मटेरियल्स, कैसा दिखता है, हाउ इज द यूज ऑल दिस. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो एक्सप्लोर इट. दोस्तों, आप देख रहे हो मैं अभी बैठा हूँ क्वींस आइलैंड का जो सबसे बड़ा जो बर्तन का दुकान है. फिर कोई ऐसा वैसा बर्तन का दुकान नहीं है यहाँ पर. जो आप देखोगे सभी मिट्टियों से बना हुआ है. और ये जो बैठा है, ये जो जनाब, इसका नाम है उत्तम पाल और ये है इस दुकान का ओनर. ये देखिए कितना बढ़िया पेंटिंग कर रहा है इस ऑल दिस ऑन दिस पॉटरी यू नो इक्विपमेंट्स. सब कुछ मिलता है और दुकान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है, यू कैन से हु इज द मैनेजर, ये बंदे है उसका मैनेजर. तो जनाब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल. अच्छा, मोहम्मद इस्माइल इसका नाम है. अच्छा भाई, कितने साल से आप इस दुकान में काम कर रहे हो? अच्छा, 15 इयर्स, 15 साल से ये बंदा इस दुकान में काम कर रहा है. Thank you.
price of this particular shop. इस shop में मिलता है सब कुछ but मिट्टी का. ये इस shop का second owner है जिसका नाम है दीपक पॉल. So दीपक जी first of all स्वागत है हम लोग के channel में. तो दो चार चीज मैं जानना चाहता हूँ. ये सभी तो मिट्टी का बर्तन है. आप लोगों का business कितने साल से है? कितने 10 साल 15 साल 20 years? 12 साल. 150 years. 150 साल से इन लोगों का यही traditional business है. ये लोग भी चला रहे हैं. तो एक चीज बोली, ये जो मिट्टी का ये जो चीज है अजीबो गरीब, ये देखने का ये looks देखिए shape. I'm just watching first time. ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये particular चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? मिट्टी हरी. मिट्टी का हरी है. मिट्टी का हरी है. हाँ हाँ. और क्या मजा दही? दही के लिए. दही के लिए. अच्छा अच्छा अच्छा. दोस्तों ये देखो, ये जो जगह है, ये जो चीज है, कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसका इस्तेमाल होता है वो दही के लिए. दही आप लोगों को तो पता है, जो कि यहाँ पर बांग्लादेश में भैंस का जो दही है वो बहुत ही फेमस है, भैंस का दूध का जो दही है. अच्छा एक दो चार चीज मैं और भी दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को. ये अच्छा अच्छा ये है हम लोग जो आरती करते हैं ना, पूजा आरती के लिए इस्तेमाल होता है. बट इंडिया में तो मैक्सिमम पीतल का इस्तेमाल होता है. बट ये देखिए पूजा आरती का जो ये चीज है जहाँ पर आग जलाया जाता है, ये भी मिट्टी का बनाया हुआ है. ओके सो नाइस. दीपक जी ये जो छोटा छोटा बर्तन है ये क्या है? छोटा दही के लिए. अच्छा ये भी दही के लिए, जो छोटा दही के लिए छोटा. अच्छा गाइस ये भी दही का कंटेनर है बट छोटा कंटेनर. देखिए कितना प्यारा सा. एक तो आगे भी देखते हैं और क्या है. लेट्स सी व्हाट इज दिस. अच्छा ये चीज तो मुझे पता है, ये है इसमें आप एनी ट्रीज, यू कैन कीप एनी ट्रीज ओवर हियर. ये तो पेड़ के लिए है, पेड़ लगाने के लिए ये रखा हुआ है. अच्छा इसका दाम क्या है? इसका दाम कितना होता है यहाँ पर? यहाँ पर दम 50. अच्छा 50 रुपीज. अच्छा 50 रुपए का मिल जाता है एक. अच्छा ये जो ये क्या है, ये जो चीज है ये क्या है? ये अजीबो गरीबो देखने की चीज है, या शायद आप लोग भी पहले बार देख रहे हो. ये क्या चीज है? हाँ हाँ क्या है? हाँ हाँ मैं आया हूँ मस्त के लिए. आए अच्छा 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 जाल में. अच्छा अच्छा दोस्तों, अच्छा ये है मछली पकड़ने के नेट, के मछली का जो नेट है उसके नीचे लगाया जाता है. अच्छा नीचे लगाने से क्या होता है, मछली का, मछली पकड़ने का जो नेट होता है ना वो पानी के अंदर चला जाता है. चलिए आगे भी देखते हैं और क्या क्या चीज है. अच्छा ये सब बस्ते में क्या है? सब माल है. अच्छा अच्छा सब माल है बस्ते के अंदर. अच्छा एक चीज बताइए, ये अच्छा 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 ये तो बहुत भारी है. अच्छा ये भी मछली पकड़ने का वेट है. अच्छा गाइस ये मछली पकड़ने का वेट है बिकॉज क्वींस आइलैंड समझ रहे, आइलैंड है, हर जगह पे बहुत नदियाँ, कोस्टल एरिया है. मछली पकड़ना यहाँ का लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है. तो ये मछली पकड़ने के लिए काम में आता है. मैं रख देता हूँ जो चीज़ जहाँ पे. अच्छा यहाँ पर रख देता हूँ वरना गिर सकते हैं मेरे हाथ से. ओके ये और ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है? दही के लिए. अच्छा ये भी दही के लिए. देखिए ये भी दही के लिए इस्तेमाल होता है. ये दूसरा टाइप का कंटेनर है, ये भी दही के लिए इस्तेमाल होता है. चलिए आगे देखते हैं और क्या है. अच्छा ऊपर भी बहुत सारे माल है, ऊपर भी बहुत सारे माल है. अच्छा अच्छा इस सब ये किसका, इसका इस्तेमाल कैसे, किस पर्पस से होता है? पूजा के लिए. अच्छा पूजा के लिए इसका इस्तेमाल होता है. अच्छा पूजा के लिए इस्तेमाल होता है. अच्छा ये क्या प्लेट है, खाने का प्लेट? नहीं ये इसका जगह प्लेट है. अच्छा ये पूजा के प्लेट है, हम लोग जो पीतल का इस्तेमाल करते हैं बट ये पूजा के लिए भी. ऑल दिस आप देख सकते हो कितना बढ़िया डिजाइन है, ये भी इस्तेमाल होता है पूजा के लिए. अच्छा मैं रख देता हूँ इसको अंदर और देखिए और. अच्छा ये तो मुझे पता है, ये पानी रखने का, ये पानी रखते हैं ना इसमें. अच्छा पानी ये इससे क्या होता है ना, पानी अगर इसमें रखेंगे तो क्या, पानी बहुत ठंडा ठंडा रहता है. अच्छा अच्छा पानी ठंडा रहता है इसलिए इसका इस्तेमाल होता है. अच्छा ये क्या है? बर्तन है. बर्तन. अच्छा अगर आप कुछ भी पका रहे हो, यू आर जस्ट कुकिंग एनीथिंग, यू कैन कीप इट आल्सो इन दिस कंटेनर. ये किचन में इस्तेमाल होता है शायद. ठीक है और ये क्या है? या अपने ये ओवन है. माय गुडनेस मिट्टी का ओवन, जस्ट लुक एट दैट. आई होप सो फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ ओवन. अच्छा इसमें आग जलाया जाता है ऊपर खाना? नहीं, आग के जलाने पर जलाता है. अच्छा धुआं के बिना.
अच्छा 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 ये ओवन है ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ओवन है इट इज लुकिंग सो फैंटास्टिक सो गाइस ट्रस्ट मी दिस एंटायर चीज इज सो ऑर्गेनाइज्ड अच्छा इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है अच्छा इसमें मिठाई मिठाई के लिए ये बर्तन है मिठाई तैयार होता है सो गाइस इट इज सो इंटरेस्टिंग इसको आप जो एरिया घिस सकते हो इससे तो ये भी मिट्टी का बना हुआ है तो दीपक जी इसको भी मैं ले लेता हूँ ठीक है yes. इसका दाम कितना होता है यहाँ पर प्राइस कितना है 30 रुपीज 30 रुपए में मिट्टी का एक अद्भुत चीज है इसे आप एरिया घिस सकते हो यू कैन यूज इट फॉर रबिंग योर स्किन अच्छा ये बहुत ही यू नो जस्ट लाइक रफ है और इट लुक्स सो डिफरेंट सो गाइस दीपक जी के लिए इस पूरे दुकान के लिए एक लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इस अजीबोगरीबो दुकान के अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो तनिक शेयर भी कर दीजिए विथ योर फ्रेंड्स